कल रूमा जी ने फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद में लगभग आपके पास में कितने कॉल मैसेज आ गए? कल रूमा जी की पोस्ट होने के बाद में हमारे पास 300 से ज्यादा कॉल या मैसेज आ चुके हैं, जिसका हमने तुरंत ही रिप्लाई देना शुरू कर दिया और कल ही कल हमने 250 से 300 का वापस रिप्लाई भी दे दिया है। और आज हमने वापस वहाँ पर टीम भेज कर पानी की सप्लाई भी चालू कर दी है, जिसमें गांव-गांव में हमारे टैंकर भेजे हैं, जिसमें पानी की बहुत सारी वहाँ पे गांव में बहुत दिक्कत आ रही है। नज़दीक में कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक टैंकर आते हैं, फिर वहाँ पे गांव में बहुत सारी दिक्कत है। पानी अगर आता है तो फिर वो लाइट की कमी होती है, लाइट नहीं होने की वजह से टैंकर बराबर टाइम पे नहीं आ रहे, बहुत सारी दिक्कत हो रही है हमारे को। आज आपने कितने गांव में पानी की सप्लाई कर दी? हमने 7 से 8 गांव कवर किए, जिसमें जैसिंदर है, गडडा रोड है, इस रोड, सिमनासर, बायतू तथा बाड़मेर ब्लॉक में हमारी फाउंडेशन की टीम ने जाकर वहां पानी के टैंकर जहां सार्वजनिक स्थानों पर डालने शुरू किए है, जिसमें वहां में फाउंडेशन की टीम ने जाके हकीकत देखा तो वहां धरातल पे ऐसी होदिया, खेड़िया, ट्यूबवेल, टांके सूखे पड़े हैं, जहाँ लोगों के पीने का भी पानी नहीं है और वहाँ पशु है वो मर रहे हैं। कि लोग एक घर से पानी तक उधार लेके जा रहे हैं और इस गर्मी में मर रहे हैं लोग, पानी घूंट तक नहीं है पीने के लिए उनके। वहाँ हमारी टीम ने जाके आज इस राहत कार्य का काम शुरू कर दिया, जिसकी फुटेज में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, जिसमें ये फुटेज है आज की, आज सारा ये काम चल रहा है हमारे धरातल पर, गांव में अलग अलग ये पशु है, ये अलग अलग जगह पर हमारा काम आज शुरू है, जिसमें हमारी टीम लगी हुई है, वहाँ के वॉलंटियर भी लगे हुए हैं, वहाँ के नोकल लोग हैं जो गांव वाले, वो भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कल आपके पास में कॉल आने के बाद में आपने लगभग कितनी स्कैनिंग की अपडेट लिख ली है? कल हमारे पास कॉल मैसेज आने के बाद हमने तुरंत ही स्कैनिंग करनी शुरू कर दी, तो स्कैनिंग में हमने डिटेल भी लिखी थी, ये देखिए आप। आप कौन से गांव की अपडेट ले रहे हैं? मैंने आज बायतू गांव की अपडेट ली। बायतू में पानी की भारी भरकम, पानी की बिल्कुल समस्या है ही नहीं, रात की काफी जगह से कॉल आया, हमारे एरिया में पानी नहीं है, खाली पड़ी है, औदियों में पानी नहीं है, पीने का भी लोगों का पानी नहीं है, बिल्कुल पानी है ही नहीं। फिर बात करिए, बहुत जगह बात करिए। फाउंडेशन की कितनी टीम इस काम में लगी हुई है? फाउंडेशन की हमारे 20 से 25 टीम काम में लगी हुई है, जिसमें 10-15 लोग गांव में भेजे हुए जो टैंकर डालने के लिए, और 4-5 लोग यहां पे जो कंप्यूटर पे स्कैनिंग का काम करते हैं, जो कॉल डिटेल या कुछ मैसेज वगैरह आते हैं तो उनका जवाब देना वापस, और कहां का टैंकर पानी का भेजना वो सब यहां से डिटेल बना के रखते हैं, और कल वापस कहां पे भेजना है टैंकर वो भी हम डिटेल टीम बना रही है।